धरती अंबर दसों दिशाएं शिव विवाह की कथा सुनाए। धरती अंबर दसों दिशाएं शिव विवाह की कथा सुनाए। वन मधुवन ये वृक्ष लताएं शिव विवाह की कथा सुनाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, यूं तो आपने अब तक ना जाने कितने देवी देवताओं के विवाह की कथाएं सुनी होंगी, लेकिन आज मैं आपको भगवान शिव के एक नहीं दो दो विवाहों की पावन कथाएं सुनाने जा रहा हूं। भगवान भूतनाथ भोलेश्वर, जिनके भोला भंडारी बागंभरधारी भूतेश्वर विश्वेश्वर और चंद्रशेखर जैसे कितने ही नाम और रूप हैं, स्वयं से उत्पन्न स्वयंभू बाबा भोलेनाथ के विवाह की दो प्यारी और न्यारी कथाएं मन में भगवान शिव का ध्यान लगाकर बड़ी श्रद्धा और प्रेम से सुनिए। एक समय की बात है, ब्रह्मा रचते थे जब ये सृष्टि, उनकी भौह से पैदा हुई तब संध्या नाम की एक युवती। तभी अचानक उनके सन्मुख सुंदर युवक एक प्रकट हुआ, झुककर उसने ब्रह्मा जी को श्रद्धा से प्रणाम किया। बोला सृष्टि कर्ता से मुझको मेरा काम बताए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। भक्तों, युगों पुरानी बात है, जब ब्रह्मदेव सृष्टि की रचना कर रहे थे, उसी समय अचानक उनकी भौं के बीच से संध्या नाम की एक युवती उत्पन्न हुई, जिसे देखकर स्वयं ब्रह्मा जी भी चकित रह गए। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, उसी समय एक रूपवान युवक वहां प्रकट हुआ। उसके हाथ में 5 पुष्प बाण थे। उस युवक ने ब्रह्मा जी को पिताश्री कहकर संबोधित किया और कहा कि पिताश्री, मुझे किसी कार्य में लगाइए। तब ब्रह्मा जी ने अपने द्वारा उत्पन्न उस युवक को कामदेव नाम देते हुए ये कार्य सौंपा कि तुम सृष्टि के प्राणियों में मद प्रेम और काम की भावना जगाकर सबको अपने वश में रखोगे। ब्रह्मा के निकट बैठे कुछ ऋषियों ने भी कामदेव को आशीर्वाद दिया और हाथ में लिए उसके 5 पुष्प बाणों में दिव्य शक्तियां भर दी। और भक्तों, तभी एक अनहोनी घटना घटित हो गई। कामदेव ने परीक्षा हेतु अपने काम बाणों को उन ऋषियों पर ही चला दिया। परिणाम स्वरूप ब्रह्मा जी समेत सभी ऋषि काम के वश में आ गए और कामुक दृष्टि से संध्या नामक उस सुंदर युवती को देखने लगे। दूसरी ओर थी संध्या लज्जित, ये कैसे अनहोनी हुई। ऋषियों के संग ब्रह्म पिता की मुझ पे कामुक दृष्टि पड़ी। मुनि वशिष्ठ की आज्ञा पाके उसने तप प्रारंभ किया।
तप उसका फलीभूत हुआ और शिव ने उसको दर्श दिया। संध्या बोली संग मेरे क्यों हुआ अनर्थ बताए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। भक्तों, संध्या के प्रश्न करने पर भगवान शिव ने उत्तर दिया कि कामदेव ने अपने काम बाणों की परीक्षा लेने के विचार से अपने उन काम बाणों का प्रयोग ऋषि मुनियों समेत ब्रह्मा जी पर भी कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन ऋषि मुनियों समेत ब्रह्मा जी ने भी तुम पर कामुक दृष्टि डाली है। परंतु संध्या, तुम इसकी चिंता न करो, समय आने पर मैं स्वयं ब्रह्मा जी को उनके इस कुकृत्य का उचित दंड दूंगा। फिर उसे उद्धार का मार्ग बताते हुए कहा कि इसी पर्वत के नीचे मेघा ऋषि एक यज्ञ कर रहे हैं, तुम वहां पहुंचकर स्वयं को यज्ञ अग्नि को समर्पित कर दो। ऐसा करने से तुम उनकी कन्या के रूप में जन्म लोगी। फिर जब तुम हिमालय पर कठोर तप करोगी तो त्रेता युग के प्रथम भाग में राजा दक्ष की कन्या बनकर योग्य वर को प्राप्त करोगी। शिव जी के कहे अनुसार संध्या मेघा ऋषि के आश्रम पहुंची और यज्ञ से निकलने वाली लपटों में कूद पड़ी। अग्नि ने उसे जलाकर सूर्य मंडल में प्रवेश करवा दिया, जहां सूर्य ने स्वयं उसे अपने रथ पर स्थान दिया, जिससे संध्या का ऊपरी भाग रात्रि बना और नीचे व मध्य का भाग सुबह और शाम की लाली बना। फिर एक निश्चित समय पर मेघा ऋषि का यज्ञ पूर्ण हुआ। यज्ञ समाप्ति पर मेघा को हवन कुंड से कन्या मिली। कौन है, किसकी पुत्री है ये, मन में एक जिज्ञासा जगी। फिर शिव का प्रसाद समझ के अरुंधति का नाम रखा। पाल पोस कर बड़ा किया, फिर उसका कन्या दान दिया। मेघा ऋषि संग आओ हम सब शिव की अलख जगाएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। भक्तों, ब्रह्मा जी की भौं से उत्पन्न संध्या नाम की युवती को तो भगवान शिव के बताए अनुसार परम गति प्राप्त हुई, परंतु ब्रह्मा जी ने अपनी ही पुत्री पर कामुक दृष्टि डालकर जो परम अपराध किया था उसे देवाधिदेव महादेव भुला न सके, और इसके लिए उन्होंने ब्रह्मा जी को कटु शब्द कहकर इतना लज्जित और अपमानित किया कि ब्रह्मा जी उसका कोई उत्तर नहीं ढूंढ पाए। भक्तों, भगवान शंकर तो अपना कर्तव्य निभाकर चले गए, लेकिन ब्रह्मा जी अपने इस अपमान को वर्षों तक नहीं भुला पाए। प्रभु आशुतोष से इस बात का प्रतिशोध लेने की भावना का विष उनकी श्वासों में घुलता रहा और उन्होंने निर्णय लिया कि जब तक शिव जी को इस काम के वश में करवा के उनसे कोई स्त्री ग्रहण नहीं करवा लेता, तब तक मैं शांति से नहीं बैठूंगा। तब अपने इस निर्णय को अंतिम रूप देने के लिए ब्रह्मा जी कामदेव से मिले। कामदेव, तुम पुत्र हो मेरे, अपने पिता की आज्ञा सुनो। काम मुक्त है शिव का तन मन,
उसमें काम का जाल बुनो, साथ रति को लेकर जाओ, प्रेम की ऐसी क्रीड़ा करो। उनके हर एक क्रियाकलाप में ऐसा तुम उन्माद भरो, ब्रह्मचर्य के मद को खोके काम के वश हो जाए। गंगा धराय शिव गंगा धराय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगा धराय शिव गंगा धराय, हर हर भोले नमः शिवाय। तो भक्तों, ब्रह्मा जी के कहे अनुसार रति को साथ लेकर कामदेव शिव के पास पहुंचे और तरह तरह की प्रेम क्रीड़ाएं करते हुए शिव जी को मोहित करने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने बहुत प्रयास किया परंतु अपने लक्ष्य में सफल न हो सका। यह जानकर ब्रह्मा जी को घनघोर निराशा हुई। तब विष्णु जी स्वयं ब्रह्मा जी से बोले, भगवान शिव के प्रति इस तरह की ईर्ष्या रखना सर्वथा अनुचित है। यदि आप उन्हें स्त्री ग्रहण करवाना ही चाहते हैं तो आपको आदि शक्ति को प्रसन्न करना होगा। सर्वगुण संपन्न आदि शक्ति अवतार लेकर राजा दक्ष की कन्या बनेगी, जिन्हें शिव जी अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लेंगे। आप राजा दक्ष से भी तप करने के लिए कहें, जिससे प्रसन्न होकर आदि शक्ति कन्या रूप में अवतरित होकर उनके घर में जन्म ले सके। तब ब्रह्मा जी ने आदि शक्ति की आराधना की। प्रसन्न होकर देवी ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिया। ब्रह्मा जी ने देवी से कहा कि हे देवी, आप आदि शक्ति सनातन देवी हैं और अपनी शक्ति से सृष्टि का संचालन करती हैं। मैं चाहता हूं कि आप कन्या रूप में अवतरित होकर राजा दक्ष के घर में जन्म लें और शिव जी को मोहित करके उनकी अर्धांगिनी बने। उधर राजा दक्ष भी आपको कन्या रूप में पाने हेतु कठिन तप कर रहा है। और फिर भक्तों, राजा दक्ष की तपस्या से प्रसन्न होकर आदि शक्ति ने उन्हें दर्शन देते हुए आशीर्वाद दिया कि मैं कन्या रूप में अवतरित होकर आपके घर में पुत्री रूप में जन्म लूंगी, परंतु तुम्हारे द्वारा कभी भी मेरा अपमान हुआ तो मैं उसी समय देह त्याग दूंगी। इतना कहकर आदि शक्ति अंतर्ध्यान हो गई। दक्ष प्रजापति को तप करते समय अनंत जो बीत गया, उसके घर में उमा ने फिर कन्या के रूप में जन्म लिया। दक्ष के महल में पलते हुए वो उम्र की सीढ़ी चढ़ने लगी, पति रूप में शिव को पाने शिव का जप तप करने लगी। आती जाती श्वासें उसकी शिव शिव कहती जाए। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। भक्तजनों, दक्ष कन्या सती को जब शिव की आराधना करते हुए कई कई वर्ष बीत गए तो उसने शिव को पाने हेतु विधि विधान से नंदा व्रत रखा। उधर ब्रह्मा जी विष्णु जी के साथ कैलाश पहुंचकर भगवान शिव से कह रहे थे, हे देवाधिदेव, हम दोनों तो विवाहित हैं ही, अब आप भी लोक हित में प्रजापति दक्ष की कन्या सती से विवाह कर लीजिए। और तब भक्तों, भोलेनाथ ने मुस्कुराते हुए उन दोनों से कहा, मुझे आप दोनों का प्रस्ताव स्वीकार है, आप
प्रजापति दक्ष से कहकर विवाह की तैयारियां करवाएं। शिव आज्ञा से ब्रह्मा विष्णु दक्ष के महलों में आए, शुभ संदेश सुना जो शिव का दक्ष प्रजापति हर्षाए। दूल्हे बन कर भोले शंकर नंदी बैल सवार हुए, भूत अवधूत है बने बराती, भूत पिशाच है साथ चले। पुरवा ने छेड़ी शहनाई मेघ भी ढोल बजाए। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। तो भक्तों, इस तरह एक शुभ दिन शुभ मुहूर्त में दक्ष प्रजापति ने अपनी पत्नी वीरनी के साथ मिलकर अपनी कन्या सती का कन्यादान किया। सती और शिव का शुभ विवाह संपन्न हो गया। तीनों लोकों में खुशियां व्याप्त हो गईं। कण कण जैसे मंगल गान गाने लगा था। पूरा वातावरण शिवमय होकर आनंदित हो उठा था। उसके उपरांत सती के साथ शिव कैलाश पर्वत पर वापस आ गए। साथ सती के तीनों लोक में शिव जी विचरण करते थे। करते करते भ्रमण वो एक दिन दंडक वन में आ पहुंचे। मानस रूप में राम लखन को शिव शंभु ने देख लिया। दूर से फिर भी शीश झुका के राघव को प्रणाम किया। देख के ये सब सती के मुख पे प्रश्नों के चिन्ह आए। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। भक्त जनों, सती ने जब एक साधारण से मनुष्य को शिव जी को प्रणाम करते हुए देखा तो उनसे पूछने लगी कि हे प्रभु, आपने इस श्याम वर्ण वाले साधारण से मनुष्य को प्रणाम क्यों किया? इस पर भोलेनाथ बोले, देवी, जिसे तुम साधारण मनुष्य समझ रही हो वो वास्तव में स्वयं विष्णु अवतारी प्रभु श्री राम हैं, जो मेरे आराध्य भी हैं। और अपने आराध्य को प्रणाम करना कोई गलत बात तो नहीं। भोलेनाथ के इतना कहने पर भी सती को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने भगवान श्री राम की परीक्षा हेतु अपना स्वरूप सीता की तरह बनाया और राम के आसपास विचरण करने लगी। उन्हें देखकर श्री राम ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा कि हे माता महेश्वरी, आप अकेले इस निर्जन वन में क्यों विचरण कर रही हैं और भगवान भोलेनाथ सदाशिव कहाँ हैं? ये सुनकर सती बहुत लज्जित हुई और समझ गई कि ये सचमुच श्री हरि विष्णु अवतारी राम ही हैं। तब भी उन्होंने अपने मन की जिज्ञासा श्री राम से कही और पूछने लगी कि सदाशिव भोलेनाथ ने आपको प्रणाम क्यों किया? इस पर श्री राम बोले कि माता, भोलेनाथ वचनों से बंधे हुए हैं। मेरा राज्याभिषेक वैकुंठ लोक में करते हुए उन्होंने मुझसे ये वचन दिया था कि आज से सभी देवी देवता तुम्हें प्रणाम करेंगे, इसलिए आज
उन्होंने स्वयं भी मुझे प्रणाम किया है। फिर प्रयाग में हो एकत्रित मुनियों ने एक यज्ञ रचा, ब्रह्मा विष्णु शिव संग उसमें दक्ष ने भी था भाग लिया। दक्ष प्रजापति का उस यज्ञ में सबने ही सम्मान किया, किंतु जमाता शिव ने उनकी और न बिल्कुल ध्यान दिया। दक्ष ने तोड़ी क्रोध में आकर मर्यादा सीमाएं। कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। भक्तों, त्रिपुंडधारी अमंगलहारी बाबा भोलेनाथ की ये लीला ही थी जो उन्होंने प्रयागराज में यज्ञ का आयोजन करवाया और सभी देवी देवताओं के साथ राजा दक्ष को भी सम्मिलित किया। सभी ऋषि मुनि देवी देवताओं ने दक्ष का सम्मान किया, परंतु शिव शंकर ने जानबूझकर अपने श्वसुर का अभिवादन तो दूर उनकी तरफ ध्यान तक नहीं दिया। और फिर वही हुआ जो शिव जी ने पहले से ही रचा हुआ था। राजा दक्ष ने क्रोध में आकर शिव जी को तरह तरह के अपशब्द कहे और उनसे अपने सभी लौकिक संबंध तोड़ दिए। इतना ही नहीं, उन्होंने शिव को अपमानित करने के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया जिसमें समस्त ऋषि मुनि देवी देवता आमंत्रित थे, परंतु भोलेनाथ शिव और सती को निमंत्रण तक नहीं दिया गया था। यह जानकर सती दुखी हुई और शिवजी से इसका कारण पूछा तो भगवान भोले शंकर ये बोले, देवी तुम्हारे पिता के मन में मेरे लिए है द्वेष जगे, इसीलिए तो महायज्ञ में हमें नहीं है बुलाया प्रिय। सती ये बोली, मैं जाऊंगी आज्ञा दे मुझे जाने की। शिव ये बोले, बिना निमंत्रण वहां पे जाना ठीक नहीं, क्रिया हट नहीं समझा कोई भी, लाख प्रभु समझाए। सिद्धेश्वराय शिव सिद्धेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। सिद्धेश्वराय शिव सिद्धेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। भक्तों, त्रिया हट के वश सती ने शिव की बात नहीं मानी और पिता द्वारा आयोजित यज्ञ में जा पहुंची। वहां क्या देखती हैं कि देवलोक के सभी देवी देवता ऋषि मुनि वहां उपस्थित हैं, परंतु भगवान भोले शंकर का स्थान तक नहीं रखा गया। इस पर सती अपने पिता से बोली कि क्या कारण है जो आपने मेरे पति शिव को इस यज्ञ में नहीं बुलाया। इस पर दक्ष ने क्रोधित होकर कहा कि तेरा पति शमशानवासी भस्मीधारी भांग धतूरे का सेवन करने वाला लंपट कपटी और बहरूपिया है, उस डमरूधारी भिखारी से मेरा कोई संबंध नहीं है और तू भी इस समय यहां से चली जा, क्योंकि शिव के साथ साथ मैंने तेरे साथ भी अपने सारे संबंध खत्म कर दिए। पति निंदा से सती के मन में क्रोध की ज्वाला भभक उठी, उसी समय वो सुध बुध खोके अग्नि कुंड में कूद पड़ी। यज्ञशाला में घटी ये घटना, गणों से शिव जब जान गए,
रौद्र रूप में तब शिव शंकर तांडव भक्तों करने लगे। नब जल थल में हुआ था कंपन, ठहर गई थी हवाएं। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। भक्तों, सदाशिव भोलेनाथ ने क्रोध में आकर तांडव नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। आकाश पाताल मृत्यु लोक में हाहाकार मच गया। भगवान विष्णु ने मन में सोचा कि यदि शिव की क्रोधाग्नि को शांत न किया गया तो सृष्टि का विनाश सुनिश्चित है। इसीलिए उन्होंने सती के अधजले शरीर के अपने सुदर्शन चक्र से टुकड़े टुकड़े कर दिए। सती का शरीर 51 भागों में खंडित होकर धरा पर गिर पड़ा। भक्तों, वे 51 स्थान आज शक्ति पीठ के रूप में जाने जाते हैं। इस पर भगवान भोले शंकर ने अपनी एक जटा उखाड़ी और शिला पर दे मारी। शिला के दो खंडों से वीरभद्र और महाकाली उत्पन्न हुए। शिव ने उन्हें आदेश दिया कि जाओ और दक्ष का यज्ञ भंग कर दो। महाकाली और वीरभद्र ने शिव जी को प्रणाम किया। यज्ञशाला को जाति दिशा में दोनों ने प्रस्थान किया। वीरभद्र ने दक्ष गणों से बड़ा भयंकर युद्ध किया। यज्ञ को भंग किया, फिर उसने दक्ष के शीश को काट दिया। दक्ष के राज में फिर तो जैसे टूट पड़ी विपदाएं। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। भक्तों, इस तरह नीलकंठ भोले सदाशिव ने दक्ष के झूठे दम, अहंकार, क्रोध और प्रतिशोध की भावना को उसके शरीर के साथ ही भस्म कर दिया। भक्तों, सभी देवी देवता कैलाश पर्वत पर आ गए और क्रोधित शिवजी से विनती करते हुए कहने लगे कि हे दया के सागर, हमने दक्ष के यज्ञ स्थल पर आपकी निंदा सुनी है। दक्ष का तो सर्वनाश हो ही गया, परंतु हम सब भी नष्ट भ्रष्ट हो गए हैं। इसलिए दया निधान, दया करके हम सभी को और साथ साथ दक्ष को भी क्षमादान दे दीजिए। भक्तों, शिव ने जब सबकी प्रार्थना सुनी तो सबका सम्मान करते हुए चंद्रमौली भगवान ने दक्ष को बकरे का सिर लगाकर जीवन दान दे दिया। दक्ष ने शिव के चरण में झुककर कोटि कोटि प्रणाम किया और शिव जी की कृपा से ही अपने यज्ञ को सफल बनाया। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय।